गई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। एटीएस को मिल रहे लगातार इनपुट्स के चलते पुलिस अब ये कार्रवाई करेगी। देवबंद इलाके में रहने वाले लोगों के इनपुट का वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन किया जाएगा। इनपुट में आशंका जताई गई है कि फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्र के जरिए पासपोर्ट बनवाकर विदेशी आतंकी देवबंद में रह रहे हैं, और इसके बाद डीआईजी ने देवबंद इलाके में बने सभी पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के निर्देश जारी कर दिए। बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले आपको याद होगा उत्तर प्रदेश एटीएस ने हाल ही में दो बांग्लादेशी संदिग्धों की गिरफ्तारी भी की थी और उनके पास देवबंद के पते का ही पासपोर्ट मिला था। लगातार यूपी एटीएस ये जानकारी इकट्ठा कर रहा था और ये जानकारी पुलिस के साथ साझा की गई है, जिसके बाद अब पुलिस इस एक्शन मोड में आई है कि देवबंद में जो लोग हैं उनके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन, उनका सत्यापन किया जाएगा। डीआईजी की तरफ से आदेश दिए गए हैं, देवबंद इलाके में जितने भी पासपोर्ट बने हैं उनका सत्यापन हो, ये गाइडलाइंस, ये निर्देश जारी किए गए हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी तस्लीम कुरैशी दे रहे हैं। तस्लीम, और क्या है डीआईजी के इन ऑर्डर्स को लेकर, क्या निर्देश है? बिल्कुल, ये यहाँ जो देवबंद में है जो आने वाले लोग हैं, जो मतलब बाहर जाते हैं और पासपोर्ट बनवा लेते हैं, इस तरह से यहाँ जो है जांच के आदेश दिए हैं डीआईजी साहब ने, और पहचान पत्र और आधार कार्ड की पर्ची बनवाकर, इस तरह से डीआईजी साहब ने जो आदेश दिए हैं पहचान पत्र की और आधार कार्ड की जो पर्ची बनवाकर पासपोर्ट बनवा लेते हैं, इसको देखते हुए डीआईजी साहब ने आदेश दिए हैं। मेरा सवाल, मैं इसमें थोड़ी सी कुछ और डिटेल्स भी चाहूंगी, और क्या क्या माइन्यूट डिटेल्स दी गई हैं जो लोकल इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उसमें, और कौन कौन सी बात सामने आई है तस्लीम, और उन्हें किस तरीके से आधार बनाकर, क्या सबका वेरिफिकेशन, सबके पास जितने पासपोर्ट है उनका सत्यापन किया जाएगा? आसपास के कुछ और जिले भी क्या चिन्हित इसके साथ किए गए? जितने भी लोग देवबंद में रहते हैं, साथ ही सभी देवबंद के आसपास के लोगों को जो है इनपुट में कहा गया है कि जितने भी आसपास के लोग हैं और देवबंद में रहने वाले लोग हैं उनके सबके पासपोर्ट की चेकिंग होगी और आधार कार्ड और पहचान पत्र की चेकिंग होगी, ये इनपुट में बताया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है, देखिए यूपी एटीएस ने लगातार ये जानकारी इकट्ठा की और इसके बाद पुलिस के साथ इसे साझा किया, जिसके बाद डीआईजी के आदेश के बाद अब देवबंद में जो लोग रह रहे हैं उनके पासपोर्ट का सत्यापन किया जाएगा।